सागर की पद्माकर सभागार में अखिल भारतीय लोधी लोधा लोध अधिकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले सप्तम राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह आलोक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि लोकेश कुमार जीएसटी कमिश्नर जबलपुर रहे। कार्यक्रम में समाज के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित करते हुए उनकी शिक्षा के प्रति रुचि बढ़े इसका प्रयास हुआ। साथ ही उनके कैरियर को लेकर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होकर कैसे वह अपने सपने को साकार कर अपने जीवन का निर्माण करें इस पर भी विचार मंथन कर उनका मार्ग प्रशस्त किया गया। साथ ही समाज के विकास उत्थान हो इस दृष्टि से भी इस आयोजन में अधिवेशन के माध्यम से रूपरेखा तैयार की गई। जो चैलेंज होता है वो होता है डिस्ट्रैक्शन। तो जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, सबके सामने एक ही चैलेंज होगा। आपका दुर्योधन आपके सामने नहीं है, ये मैदान है। आपका दुर्योधन आपके मन के अंदर है। तो अगर आप इस सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से अगर बचकर निकल पाते हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी जीत होगी। आप ऑटोमेटिकली पूरे क्राउड के 10% में आ जाएंगे। तो जब हम तैयारी करते हैं ना किसी एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो तैयारी हमारी खुद के साथ होती है। जैसे अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से, चंचल हो कि मन कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, मन को काबू में नहीं रख पाता। तो कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कि आप अपने मन को काबू में रख सकते हैं, उसके लिए आपको दो धारी तलवार चाहिए। और कृष्ण कहते हैं अभ्यासेना ते कौन्ते या वैराग्ये या चरणे ते। So I would say to all the students here that you have to focus on two very very important things. Number one, अभ्यास। अभ्यास means practice. Practice makes the man. I would like to hear you loud. Practice makes the man. मैं सबसे सुनना चाहता हूँ जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, प्रैक्टिस मेक्स द मैन। आज आपका किस चीज़ में सम्मान है, क्या उपलब्धि आप दिला सकते हैं? मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ, मेरा नाम आस्था होती है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान राजकुमार होते हैं। मैंने 12वीं कक्षा में 88% अंक प्राप्त किए हैं, जिसके लिए मेरा सम्मान किया गया। आगे कहाँ सोच सकती हैं, कहाँ का क्या करना चाहती हैं? आगे मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी, उसके लिए मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ कुछ काउंसलिंग भी दी जा रही है कि किस तरीके से जो है एग्जाम में आपको करना है, ये कितनी सहायक रहती है, इस तरह के प्लेटफॉर्म जो रहते हैं? इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है, क्योंकि कुछ गाँव के ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, उनको सब कुछ पता लगता है, पूरी इन्फॉर्मेशन कि कैसे क्या करना है, किस तरह से तैयारी की जा सकती है। इनफैक्ट बहुत से यहाँ से फ्री के कोचिंग सेंटर भी चलाए जा रहे हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं, जो बच्चे 10वीं और 12वीं में 90% ऊपर बनाए हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम है, ताकि मार्गदर्शन का कार्यक्रम है। और साथ साथ जो भी लोग अच्छे एग्जाम में निकले वो इन बच्चों को मार्गदर्शन करेंगे। देखिए पीछे अभी कार्यक्रम चल रहा है, मेडी जी के हेड टीचर आए हुए दिल्ली से, जो कई गेट बच्चों को पास करा चुके हैं, कई सिविल सर्विस में बच्चों की शिक्षा ले चुके हैं, वो मार्गदर्शित कर रहे हैं। एक प्रकार का ये मार्गदर्शन और सम्मान कार्यक्रम है। जो बच्चे जीवन में अच्छा किए हैं वो और आगे अच्छे कैसे करें, भविष्य में अपना भविष्य का निर्माण कैसे करें, उनके निर्माण की प्रक्रिया का ये आधार कार्यक्रम है। ये सोच कैसे आई, किस तरीके से? देखिए मैं एक गाँव का लड़का हूँ और मैं आज यहाँ तक पहुँचा, इस क्षेत्र का कमिश्नर बना, तो उसके पीछे एक ही कारण है कि एजुकेशन, शिक्षा से मैं नीचे से लेकर ऊपर आ गया। एकमात्र ऐसी चीज़ है जो न गरीब देखती है, न धनी देखती है, न किसान देखती है, न अरबपति देखती है, जो न मजदूर देखती है, न कोई बड़ा व्यवसायी देखती है, जो केवल योग्यताओं को देखती है। अगर बच्चा योग्य है उसे सही मार्गदर्शित कर दिया जाए, वो न केवल अपने जीवन का निर्माण करेगा बल्कि इस देश का निर्माण भी करेगा। समाज की बात की जाए तो किस प्रकार का स्तर देखते हैं शिक्षा को लेकर? देखिए धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। पहले ऐसा था कि हम स्कूल में जाने के लोगों को प्रेरित करते थे, क्योंकि अब स्कूल में जाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें कॉम्पिटेटिव जीवन जीना है। तो एग्जाम पास करने के बाद उन्हें आगे किस प्रकार से आगे जाए, क्या उनकी रणनीति हो, क्या उनकी प्लानिंग हो, और किस प्रकार से अपने जीवन में सफल हो, जो उन्होंने सपने देखे वो पूरे करें, इसी बात को लेकर किस प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन किया गया। सर क्या शुभ नाम लिखते हैं, किस पक्ष में हैं? सर देखिए क्या होता है, जो 10वीं 12वीं में बच्चे प्रतिभावान छात्र होते हैं उनको दशा दिशा देने के लिए मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बच्चों को तो ये पता होता है कि हम 10वीं में 90% लाना है, जो अच्छे बच्चे होते हैं, होनहार बच्चे होते हैं उनको ये पता है हम अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तो हमको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा।
परंतु रोजगार से जुड़ने के लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। IAS IPS और किसी भी सरकारी नौकरी में चयन करने के लिए या फिर किसी व्यापारिक क्षेत्र में ऊंचा नाम कमाने के लिए आपको शिक्षा के साथ साथ सही मार्गदर्शन होना जरूरी है। तो इसी तारतम्य में लोधी क्षत्रिय समाज आलोक कर्मचारी संघ के द्वारा जो हमारे समाज के प्रतिभावान छात्र सिर्फ हमारे ही समाज नहीं अन्य समाज के लोगों को भी यहाँ पे हम लोग आमंत्रित करते हैं और उनको मार्गदर्शन देने का काम करते हैं ताकि छात्रों को सही दिशा मिले और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जो उन्होंने सपना देखा है उस सपने को वो हासिल कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं कर सकते हैं। तभी ये हमारा उद्देश्य है। लोधी क्षत्रिय समाज का उद्देश्य है कि देश अव्वल बनेगा, हमारे छात्र जब अव्वल बनेंगे तभी हमारा देश अव्वल बनेगा। धन्यवाद समाज का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से जैसे हमारे लोकेश जी ने बताया कि इसमें हमारे 10th और 12th के बच्चों को सम्मानित किया जाता है। मुख्य रूप से एक काउंसलिंग टाइप का प्रोग्राम है। मुझे लगता है कि 10वीं 12वीं के बाद बच्चे एक ऐसे दौराहे पर खड़े होते हैं जिनको अपने जीवन का लक्ष्य तय करना चाहिए और उस चौराहे से वो कहीं भी भटक सकता है। तो इस स्थिति में आलोक संघ ने इस प्रकार का बच्चों को सम्मान करके उनको मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, उसका एक काउंसलिंग की जा रही है। मुझे लगता है इससे अच्छा कोई सामाजिक कार्यक्रम हो नहीं सकता और बच्चों को और समाज को भी आगे ले जाना है। उनकी शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा। आलोक संघ इस प्रकार का सराहनीय काम कर रहा है जैसे जिससे बधाई के बारे में और हम सबका शुभकामना है कि वो इस प्रकार के आयोजन करते हैं।